हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिप्टो पीश ऑनलाइन पर। दोस्तों, आज हम वीडियो में देखेंगे कि बिटकॉइन कितना हाई जा सकता है, कितना लो जाएगा, या फिर बिटकॉइन के हाफिंग के टाइम में कितना प्राइस जा सकता है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे दोस्तों, बिटकॉइन गोल्ड का भी हाफिंग होने वाली है, तो उसका भी प्राइस हम देखेंगे कि कितना हाई वो जा सकता है। ऑलरेडी बिटकॉइन कैश की हाफिंग हो चुकी है, तो ये सभी एनालिसिस हम करेंगे, डिफरेंट सिनेरियोस देखेंगे बिटकॉइन के, कि बिटकॉइन में आगे प्राइस डंप हो सकता है या आगे पंप होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का ज़रूर क्लिक करें जिससे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं चार्ट एनालिसिस। मैं बिटकॉइन के चार्ट पे आ गया हूँ। सबसे पहले हम बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं। ये वीकली चार्ट है दोस्तों। अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो ऑलरेडी बिटकॉइन ट्राई कर रहा है इसको ब्रेक करने की, बट यहाँ पर अगर देखें तो धीरे धीरे वॉल्यूम भी लो होता जा रहा है। बट स्टिल अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पर हम देखें तो कितना इम्पॉर्टेंट जोन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर बना हुआ है, और इसको बिटकॉइन अभी भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। 2017 का चार्ट देखेंगे तो दोस्तों, वहाँ पर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इसने वर्क किया है। दोस्तों, हम डेली का चार्ट देख लेते हैं। अगर हम डेली की बात करें तो डेली में मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में शो करा था कि इस पैटर्न को शायद बिटकॉइन फॉलो करे, अप जाए और उसके बाद एक रेजिस्टेंस मिले जिसके बाद वो डाउन आए। बट यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, जो मूविंग एवरेज हैं तो आप देख सकते हैं, जो मूविंग एवरेज है फिलहाल, ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ पर 50 डेज़ का, ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है और बिटकॉइन इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। उसके बाद 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है बिटकॉइन का, जो $8,000 के आसपास है, उसको भी बिटकॉइन को क्रॉस करना पड़ेगा अगर उसको अब जाना है। और जैसे कि हाफिंग हो रही है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ वॉल्यूम जनरेट है और बिटकॉइन अब चला जाए। अगर मैं इस पैटर्न को देखूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक राइजिंग वेज बनाए, और जैसे कि मैं एनालाइज कर रहा था, अगर मैं यहाँ से, आप देख सकते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ कर दूँ तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पर आ रही है। तो दोस्तों, अगर इस ट्रेंड लाइन को आप देखेंगे और थोड़ा एक्यूरेट कर लेते हैं इस ट्रेंड लाइन को, तो अभी जैसे बिटकॉइन मूव कर रहा है, जो कि मुझे दिख रहा है दोस्तों इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है, और अगर बिटकॉइन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ कर दी है, और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन और साथ ही साथ ये जो चैनल की लाइन है, ये दोनों एज अ रेजिस्टेंस वर्क करें, और ये देखेंगे तो समवेयर अराउंड 8,000 के आसपास ही इसका ये रेजिस्टेंस जोन है, और वहीं पे यहाँ 200 मूविंग एवरेज भी है। तो इस चीज़ों को देखकर दोस्तों, मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन शायद डाउन भी आ सकता है, और यहाँ अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाता दोस्तों, तो बिटकॉइन यहाँ से डाउन भी आ सकता है। तो यहाँ 4 आवर का मैं एक चार्ट लेता हूँ। अगर 4 आवर में आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर इस चैनल के अंदर बिटकॉइन फिलहाल मूव कर रहा है, और ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है, अगर इस ट्रेंड लाइन को बिटकॉइन ब्रेक कर देता है दोस्तों, तो अब जा सकता है और समवेयर अराउंड $9,000 के आसपास जाएगा। और अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेकआउट करता है दोस्तों, तो अगेन बिटकॉइन डाउन जा सकता है। ओके, और दोस्तों, और अगर हम डीप में जाएं इसके, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर हम बिटकॉइन को देखें यहाँ पर, तो ये 1 आवर का चार्ट है। अगर 1 आवर के चार्ट में आप देखेंगे, बिटकॉइन को अगेन एक पैटर्न बन रहा है जैसे कि मुझे लग रहा है, और इस पैटर्न को भी हम देखते हैं बिटकॉइन के, और इस पैटर्न को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ये एक और ट्राइंगल बन रहा है, जो कि आप देख सकते हैं 1 आवर के चार्ट पे। और 1 आवर के चार्ट में जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फिलहाल, जो ट्रायंगल को ब्रेक कर सकता है बिटकॉइन, नीचे भी जा सकता है और अगेन ऊपर भी जा सकता है। तो फिलहाल कहना काफ़ी मुश्किल हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम भी लो हो रहा है, और बट हाफिंग है, हाफिंग की वजह से मुझे ऐसा लगता है शायद इसको बिटकॉइन ब्रेक भी करे, ये भी पॉसिबल है। बट अगर हम यहाँ से देखें इस ट्राइंगल को, और यहाँ तक जो इस ट्राइंगल का है इसको हम ले लेते हैं दोस्तों, अगर इतना ही नीचे डाउन आता है तो आप देख सकते हैं ये समवेयर अराउंड 6,700-6,800 डॉलर्स के आसपास जाएगा, जो कि एक सपोर्ट है बिटकॉइन का, और इसके बाद 6,500 डॉलर्स का एक और सपोर्ट है बिटकॉइन का। अगर बिटकॉइन इसको ऊपर ब्रेक करता है तो अगेन यहाँ पे बिटकॉइन एक बार इसको टेस्ट ज़रूर करेगा इस पॉइंट को, और टेस्ट करने के बाद ही अप जाएगा इस तरीके से। तो
बिटकॉइन का वेट करें इसको टेस्ट करने का, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, बिकॉज़ मैं जैसा कि उम्मीद कर रहा हूँ ये ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो इस तरीके से मूव करेगा एंड देन ये यहाँ पर डाउन में आएगा। तो उसके बाद जब ये डाउन में आएगा दोस्तों, यहाँ इसको टेस्ट करेगा, ये जो इस ट्राइंगल का पॉइंट है, इस ट्राइंगल की लाइन है, और ये समवे अराउंड आप देख सकते हैं जो है वो समवे अराउंड 7200 7300 डॉलर्स का रेजिस्टेंस है जिसको बिटकॉइन क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो इस 7300 डॉलर्स को अगेन ये टेस्ट करेगा और उसके बाद ही ये अप जाएगा, ठीक है। फिर अप जाएगा तो आप देख सकते हैं समवेयर अराउंड 7500 डॉलर्स के आसपास एक रेजिस्टेंस है और इसके बाद अराउंड 8000। तो जो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं वो प्लीज़ सोच समझ के ट्रेडिंग करिएगा, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है बिटकॉइन में। और अगर ये डाउन जाता है तो वो भी हम देख लेते हैं, अगर बिटकॉइन डाउन जाता है दोस्तों तो यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा और उसके ब्रेकआउट करने के बाद अगेन यहाँ पे टेस्ट करेगा, ओके। तो यहाँ पे इसको फिर से जो बिटकॉइन है वो टेस्ट ज़रूर करेगा इस तरीके से, इस लाइन को, और यहाँ टेस्ट करने के बाद देन बिटकॉइन डाउन जाएगा। तो उसके बाद यहाँ टेस्ट करने के बाद दोस्तों फिर से डाउन आ सकता है, और देख सकते हैं यहाँ पर जो सपोर्ट है 1 आवर के चार्ट में लग रहा है वो सम अराउंड 6800 डॉलर्स के आसपास यहाँ सपोर्ट लग रहा है मुझे। तो फिलहाल बिटकॉइन की ये अपडेट है जैसे कि मुझे लग रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम और बिगर टाइम फ्रेम की भी। दोस्तों इथेरियम की भी बात कर लेते हैं, मैं इथेरियम के डेली चार्ट पे आ गया हूँ। अगर हम इथेरियम की बात करेंगे दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था यहाँ पर फिबोनाची से कि इथेरियम कितना हाई या लो जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ जो फिलहाल रेजिस्टेंस बना हुआ है ये जो फिबोनाची का 38.2 का है वो समवेयर अराउंड 170 डॉलर्स के आसपास है जिसको इथेरियम क्रॉस नहीं कर पा रहा और बार बार वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। और यहाँ 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसका भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। और आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अगर देखते हैं जिस तरीके से इथेरियम ने इस असेंडिंग ट्राइंगल को ब्रेक किया था, तो ये असेंडिंग ट्राइंगल जो ब्रेक किया था आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम उतना ही अप गया है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज़ को, ओके। तो उतना ही इथेरियम अप गया है और उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इथेरियम में, अगर हम 1 आवर का चार्ट लेते हैं। बिकॉज़ 1 आवर का चार्ट हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर इथेरियम का फिलहाल, तो इथेरियम में भी लगभग सेम सा पैटर्न है जैसे कि बिटकॉइन में बना हुआ है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो पैटर्न बना हुआ है एक ट्राइंगल का पैटर्न बन रहा है जैसे कि मुझे लग रहा है, और इसको ब्रेक करके इथेरियम भी अप भी जा सकता है और डाउन भी जा सकता है। तो दोनों ही सिनेरियो हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं जिस तरीके से इथेरियम का चल रहा है दोस्तों, और इथेरियम का भी मुझे सेम सिनेरियो लग रहा है फिलहाल। इस ट्रेंड को अगर ब्रेक करता है दोस्तों, ये ट्रेंड जो है समवे अराउंड इतना है, अगर इस ट्रेंड को ये ब्रेक करता है इस पॉइंट से अगर मैं लेता हूँ तो समवे अराउंड 160 डॉलर्स के आसपास इसका सपोर्ट है। अगर ये अपवर्ड में करता है दोस्तों तो देन अगेन 184 डॉलर्स के आसपास इथेरियम जा सकता है। तो दोनों कंडीशन है यहाँ पर, इथेरियम अप भी जा सकता है और डाउन भी जा सकता है। तो जो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं जैसे ही ये ट्राइंगल ब्रेक होता है आपको वेट करना है, बिकॉज ये अप जाने के बाद एक बार टेस्ट करेगा इस ट्राइंगल को एंड देन अप जाएगा। इसी तरीके से अगर ये डाउन में ब्रेक करता है अगेन टेस्ट करेगा और फिर डाउन जाएगा। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं दोस्तों फिलहाल, बिकॉज़ इसका भी वॉल्यूम जो है कुछ खास नहीं लग रहा, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। बट अगेन मैं यही कहूँगा दोस्तों कि हाफिंग आने वाली है तो बिटकॉइन अप जा सकता है, वहाँ पर बाउंस बैक हो सकता है, साथ ही साथ वॉल्यूम भी जनरेट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है शायद इसमें भी ऐसा ही हो और अगेन काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कि इथेरियम या बिटकॉइन कितना हाई या लो जा सकता है, और ये सिनेरियो फिलहाल इथेरियम और बिटकॉइन दोनों में ही है। तो यहाँ पर हम हाफिंग की भी बात कर लेते हैं। अगर हाफिंग की बात करेंगे आप देख सकते हैं बिटकॉइन समवेयर अराउंड 32 डेज बचे हैं बिटकॉइन हाफिंग में, जिसकी वजह से मुझे लगता है शायद बिटकॉइन में एक पंप आ सकता है। अगर हम बिटकॉइन कैश की बात करें, बिटकॉइन कैश ऑलरेडी जो उसकी रिवॉर्ड है वो हाफ हो चुके हैं कल, और आप देख सकते हैं जो 73 ब्लॉक्स ऑलरेडी माइंड हो चुके हैं और वो भी 6.25 BCH के ब्लॉक रिवॉर्ड से। और बिटकॉइन SV की बात करें दोस्तों, उसकी भी हाफिंग है, आप देख सकते हैं उसकी हाफिंग समवेयर अराउंड 13 आवर्स बचे हैं बिटकॉइन SV में, तो वो भी इसकी जो रिवॉर्ड है वो भी हाफ हो जाएंगे। और यहाँ पर हम बिटकॉइन गोल्ड की दोस्तों बात करें तो बिटकॉइन गोल्ड की हाफिंग 18th ऑफ अप्रैल में है,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बिटकॉइन गोल्ड में थोड़ा पंप आए, अभी टाइम है, तो अगर आप चाहें तो बिटकॉइन गोल्ड में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट ले सकते हैं, बट प्लीज़ रिसर्च ज़रूर करें अपनी, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। मैं बिटकॉइन गोल्ड का चार्ट भी देख लेता हूँ। अगर हम बिटकॉइन गोल्ड और डॉलर्स का चार्ट लें दोस्तों, अगर हम बिटकॉइन गोल्ड के चार्ट को देखेंगे दोस्तों, जो मैंने कल मैं एनालाइज कर रहा था, तो मैंने देखा दोस्तों यहाँ पर एक ऑलरेडी असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा था, और अगर हम इस ट्राइंगल को, जो इस ट्राइंगल की लेंथ है, अगर यहाँ से हम देखें और यहाँ कैलकुलेट करें, तो बिटकॉइन गोल्ड इतना हाई जा सकता है, बिकॉज ऑलरेडी इस ट्राइंगल को बिटकॉइन गोल्ड ने ब्रेक कर दिया है। और अगर हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करें, तो जो कि मुझे लग रहा है सम बे अराउंड 12 to 15 डॉलर्स ईजिली बिटकॉइन गोल्ड जा सकता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, एक रेजिस्टेंस है समवेयर अराउंड 15 डॉलर्स का, बिकॉज़ आप देखेंगे यहाँ 15 डॉलर्स के आसपास गया था, 14.8 डॉलर्स उसके बाद डाउन में आ गया था बिटकॉइन गोल्ड। तो ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों, बिकॉज इस ट्राइंगल को ब्रेक करा है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बिटकॉइन गोल्ड हाई जा सकता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात करते हैं, अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम की यहाँ पर बात करें, आप देख सकते हैं ये 4 आवर का चार्ट है। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से इसने यहाँ पर ब्रेक करा है और जाता है, तो फर्स्ट सेशन अराउंड 12 डॉलर्स के आसपास लग रहा है, इसको ब्रेक करता है तो समवेयर अराउंड 15 डॉलर्स, और उसको ब्रेक करता है समवेयर अराउंड 15 डॉलर्स के आसपास जा सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बिटकॉइन गोल्ड इसको ब्रेक करे, बिकॉज़ अगर लास्ट टाइम में भी देखेंगे आप, ये काफ़ी बड़ा ब्रेक था, और ये था समवेयर अराउंड, आप देख सकते हैं, जनवरी 2020 में। तो जब यहाँ पर ब्रेक किया था, आप देख सकते हैं डायरेक्ट 6 डॉलर से समवेयर अराउंड 15 डॉलर्स तक गया था। और अगर हम यहाँ पर देखें इसको, जो 6 डॉलर्स था वो समवेयर अराउंड यहाँ पर हम देखते हैं 11th of January का था, और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो जी 16 डॉलर्स के आसपास गया था, वो 15th January को गया था, अराउंड 5 to 6 days। तो ये बिटकॉइन गोल्ड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो काफ़ी हाई जा सकता है समवेयर अराउंड 15 डॉलर्स के आसपास, और ऑलरेडी काफ़ी हाई पहले भी गया है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगर यहाँ पर पंप होता है, और जैसे कि हाफिंग है बिटकॉइन गोल्ड की, तो शायद ये और भी अप जाए। यहाँ पर अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं 1 आवर के चार्ट में जो मूविंग एवरेज है, उसको भी आप देख सकते हैं ऑलरेडी हाई है। एंड देन 4 आवर का चार्ट लेते हैं दोस्तों, 4 आवर में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर एक देख सकते हैं 21 डेज मूविंग एवरेज, इवन 200 डेज और 50 डेज, तीनों से अप है। डेली का चार्ट लेते हैं दोस्तों, अगर डेली में भी मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो 21 डेज और 50 डेज है, उससे अप है। जस्ट एक रेजिस्टेंस जो यहाँ फेस कर रहा है, वो समवेयर अराउंड 10 डॉलर्स के आसपास, वो है 200 डेज मूविंग एवरेज का। अगर 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है दोस्तों, तो अगेन पहले ही मैंने आपको बताया कि 200 डेज को क्रॉस करने के बाद कोई भी कॉइन काफ़ी हाई जाता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अराउंड 15 to 20 डॉलर शायद बिटकॉइन गोल्ड जा सकता है हाफिंग तक। तो अगर आप हाफिंग तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिटकॉइन गोल्ड में, तो आप कर सकते हैं, और हाफिंग से पहले इसमें आप सेल करके निकल सकते हैं, आप एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ एटलीस्ट 20 डॉलर्स तक जाए, तो यहाँ पर हमारा 2x हो जाएगा। तो चलते चलते कोरोना वायरस की भी अपडेट ले लेते हैं। आप सभी से मैं यही कहूँगा दोस्तों, प्लीज़ घर में रहें, घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, बिकॉज़ लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं 14,84,000 पीपल जो हैं ऑलरेडी कन्फर्म्ड केसेज हैं कोरोना वायरस के, कोविड-19 के ग्लोबली। और यहाँ पर अगर हम इंडिया का देखें दोस्तों, इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया की बात करें तो 5,734 केसेस, काफ़ी रैपिडली केसेस इंक्रीज़ हो जा रहे हैं कोरोना वायरस के। तो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम, हमें इस लड़ाई से लड़ना है और कोरोना वायरस को हराना है दोस्तों, बिकॉज़ अगर ये इंक्रीज़ हो गया और स्टेज 4 में पहुंच गया दोस्तों, और कम्युनिटी लेवल पे इंक्रीज़ होने लग गया, तो काफ़ी बड़ी इश्यूज़ हो सकते हैं इंडिया में, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी सभी स्टेट, सभी सिटीज़ में ऑलमोस्ट रेड आप देख सकते हैं, तो रेड स्पॉट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गए, इंक्रीज़ हो गए हैं। तो कोरोना वायरस के क्रेसिस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं दोस्तों, 473 रिकवर्ड भी हो चुके हैं इसमें से, बट स्टिल हमें घर में रहना है, घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, और अगर निकल भी रहे हैं बहुत इमरजेंसी में, तो प्लीज़ मास्क लगा के निकलें, बिकॉज़
बिकॉज़ अब बहुत सीरियस स्टेज में पहुंच चुका है, डेली बहुत ज़्यादा केसेस इसके इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो प्लीज़ इंडिया को हमें बचाना है कोरोना वायरस से और हमें लड़ना है इसके लिए। तो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ और ट्रेडिंग सीखते रहिए, यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस सीखते रहिए। पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की डेली अपडेट दे सकूँ, जिससे आप यहाँ पर अर्न भी कर सकें और साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस सीख सकें। तो प्लीज़ अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें जिससे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।